अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पास्ता। इसके लिए मैंने 200 ग्राम जितने पास्ता लिए हुए थे इसको नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया और फिर ड्रेन आउट करके इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिया ताकि एक दूसरे से चिपके ना। चिकन मैंने ली हुई थी, चिकन थाइस दो मैंने ली हुई थी बोनलेस। इसके अंदर मैंने मिलाया है पाव हाफ टी स्पून जितना गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, नमक हल्का सा और कुकिंग सोडा मैंने मिलाया हुआ था तकरीबन 1/2 टीस्पून। मैंने इस तरह से खुला खुला करके इसको कट किया है बीच में से इस तरह। ये है 1 टेबलस्पून केचप और 1 टेबलस्पून जितना सोया सॉस, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और थाइम मैंने लिया हुआ है 1/2 टीस्पून। इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा इस तरह से क्रश कर लिया। सब्जियों में आपको जो चाहिए वो, मैंने हरी प्याज ली हुई इसको इस तरह से बड़ा बड़ा कट कर लिया। छोटी साइज़ का हाफ मैंने लिया हुआ है, 1/2 से 1/2 बेल पेपर इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। 1 गाजर इसको मैंने इस तरह से श्रेड में कट किया हुआ है बड़ा सा। 1 बुलेट चिली, 2 टेबलस्पून जितना हरा धनिया, 3 जवे लहसुन के थे इसको मैंने चॉप कर लिया और थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून 2 से 3 टेबलस्पून जितना बंद गोभी कैबेज और 1 टीस्पून जो टेट्रा पैक में टोमेटो पेस्ट मिलता है वो मैंने लिया हुआ है। ऑयल मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना लिया। ये गरम हो गया, इसमें सबसे पहले मैं चिकन कर लूँगी और इसको फ्राई करके हम निकाल लेंगे। फुल फ्लेम पे हमने इसको करना है। ये हो गई है, मैं इसको निकाल लूँगी। ये रेसिपी मेरी जिठानी चांदनी की है। सेम ऑयल में हम 1/2 लहसुन डालेंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे ताकि ऑयल के अंदर फ्लेवर आ जाए। ये थोड़ा सा हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे हमारे ये सारे सब्जियां और इसको हल्का सा सौते करके निकाल लेंगे। सब्जियां मैंने निकाल ली, वापस से 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ले लिया। इसमें हम डाल देंगे लहसुन, इसको वापस से फ्राई करेंगे। ये हो जाने के बाद इसमें हम डाल देंगे ये हमारा टोमेटो पेस्ट। दो तीन स्टर दे दें इसको और इसमें डाल देंगे हम हमारे जो बुलेट चिल्ली है वो। ये हो गया, इसमें हम डाल देंगे पास्ता, ये मिर्ची, ब्लैक पेपर और थाइम और ये केचप और सोया सॉस। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे पहले। ये मिक्स हो गया, इसमें डाल देंगे चिकन जो हमने सब्जी फ्राई करके निकाली थी वो। हरी प्याज और धनिया सब डाल के मिक्स कर लेंगे और ये डिश आउट के लिए रेडी है। 2 मिनट हम फिर इसको छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए सब कुछ मिक्स होकर। ये रेडी हमारा चिकन पास्ता। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।